आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके चैनल पर खुद 4 वीडियो अपलोड है, नया चैनल है, आखिर ये हमको सिखाएगा क्या। आपके विश्वास के लिए मैं बगल में स्क्रीन लगा रहा हूँ अपने सेकेंड चैनल का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर 48 घंटे में कितने व्यूज़ आ रहे हैं और घंटे में कितने व्यूज़ आ रहे हैं। और आप यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं किस प्रकार का वीडियो है। मेरे पास अभी फिलहाल 3 चैनल हैं और तीनों के तीनों चैनल जो है मोनेटाइज हो चुके हैं अभी फिलहाल, और मोनेटाइज होने के साथ साथ अच्छा खासा रेवेन्यू भी मैं वहाँ पर अर्न कर लेता हूँ। अब तो आप सभी को विश्वास हो गया होगा कि मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, 3 सालों का जो एक्सपीरियंस है मैं आप सभी के साथ शेयर करने में सक्षम हूँ। तो अगर आपको विश्वास है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि आखिर आप सभी को कैसा वीडियो बनाना चाहिए जिसके वजह से आपका वीडियो वायरल हो, और किस प्रकार का वीडियो नहीं बनाना चाहिए जिसके वजह से आपका चैनल इफेक्ट आए और आपका चैनल डम पड़ जाए। तो सबसे पहले आप सभी को एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक चैनल ओपन कर लिया है जिसका नाम है SP बम बम। मैं आ जाता हूँ इनके भाई के वीडियो के ऊपर। आप लोग बात को मेरे गौर कीजिएगा कि आखिर मैं ट्रेंडिंग टॉपिक किस प्रकार से कवर किया हूँ और आप सभी को किस प्रकार से कवर करना है जिसके वजह से आपका चैनल ग्रो करे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, भाई ने 18 घंटे पहले वीडियो अपलोड किया जिस पर कि 21,000 व्यूज आ चुके हैं। अब यहाँ पर 20 घंटे पहले भाई ने वीडियो अपलोड किया जो कि 5,000 व्यूज आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूज, और भाई एक एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। क्यों? उनमें उनके अंदर उत्साह आ चुकी है, यार इतने लोग मेरे को देख रहे हैं, इतना व्यूज़ आ रहा है, यही होता है यूट्यूब पे। तो यहाँ पर आप व्यूज़ देख सकते हैं, अच्छा खासा व्यूज़ आया है। अब बात करते हैं कि आखिर इन्होंने पहले क्या बनाया था और अभी क्या बना रहे हैं। अभी की बात की जाए तो एक अररिया का न्यूज़ है जो कि आरती और छोटू का प्रेम कहानी है, उनके बारे में इस चैनल पर बताया है, उनके जो न्यूज़ हैं उन्होंने कवर किया है अपने चैनल पर। अब बात करते हैं पहले ओल्ड वीडियो क्या है, पहले का वीडियो कैसा बनाते थे इन्होंने। तो आते हैं नीचे, इनके पिछले वीडियो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल से पढ़ूंगा घंटा भर, माई फर्स्ट टिकटॉक वीडियो। फिर यहाँ पर बेटी की शादी किस उम्र में करनी चाहिए, अरे बाप रे बाप। ये कहा भाई सब बनाते हैं, लक्ष्य हार मानने से पहले से सुनो, हार मानने से पहले से सुनो, क्या बात है संदीप मसूरी, यार आगे फैलें। अब बात करते हैं कि आखिर ये गलती क्या कर रहे हैं और ये क्या चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो इनका माइंडसेट मेरे को पता चला इनके वीडियो देखने के बाद। देखिए जब ये मनोज जी का वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब टिप्स देना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जब टेक्निकल गुरु जी का वीडियो देखते हैं तो ये मोबाइल अनबॉक्सिंग करने लगते हैं। इनका मोबाइल अनबॉक्सिंग का भी वीडियो इनके चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो। और इसके बाद संदीप महेश्वरी का वीडियो देखते हैं तो यार मोटिवेशनल स्पीच देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद सौरभ जोशी का ब्लॉग देखते हैं तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट में इन भाई को दिखाओगे जिनका ये चैनल है, प्रेजेंट में जो ये चीज़ देखते हैं और वो काफ़ी वायरल होता है तो उस पर ये काम स्टार्ट कर देते हैं करना। मतलब कि इनके माइंड में बैठ चुका है कि नहीं, इसी को बोला जाता है ट्रेंडिंग टॉपिक, मतलब जो ट्रेंड में है उस पर काम किया जाए। सही बात है, ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए कि कहीं का कुछ भी उठा के डाल दो, किसी का वीडियो देखे यार ये इसका तो इतना व्यूज आ रहा है, इतना पैसा कमा रहा होगा, उसका वीडियो उसी तरह का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। इसके वजह से आपका चैनल कभी ग्रो हो ही नहीं सकता, आपके चैनल पर खिचड़ी हो जाएगा। मैं इस चीज़ को कर अपने दूसरे चैनल पर देख चुका हूँ, इसके वजह से आप सभी को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए भाई का न्यूज़ पर ज़्यादा अच्छा खासा वीडियो पर व्यूज आ रहा है, अगर जब तक ये ट्रेंडिंग टॉपिक चलेगा, हो सकता है ये जो यहाँ का न्यूज़ है अररिया का, हो सकता है ये भाई भी अररिया के साइड के होंगे या उनके घर से नज़दीक होंगे, इसलिए जाकर बार बार 2 घंटे में 3 घंटे में वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वीडियो जाकर बना रहे हैं कि ये इसका घर है, ये यहाँ पर उन्होंने लाइट लगा कर मारा, वो किया, ये सब सारा कुछ बना ले रहे हैं, यानी कि घर के नज़दीक के होंगे तभी ये इन्होंने इस टॉपिक को कवर किया। इस भाई को मैं बताना चाहूँगा, अगर इस चैनल को ये भाई चलाना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि अब न्यूज़ का वीडियो बनाना होगा, वरना ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक है अब ये खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद फिर वही भाई बनाने लगेंगे यूट्यूब टिप्स, अनबॉक्सिंग, मोटिवेशनल, संदीप महेश्वरी सब करने लगेंगे तो इनका चैनल ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अपने इस चैनल को अगर न्यूज़ चैनल के कैटेगरी में अगर बदल देते हैं तो शायद से इनका व्यूज, शायद से नहीं 100% इनका व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यूज अच्छा खासा इनके चैनल पर अभी फिलहाल आया हुआ है और सब्सक्राइबर भी इनके चैनल पर अच्छा खासा बन चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर 48 घंटों में यार इनका चैनल पर कुछ नहीं तो 20 लाख से कम व्यूज आ नहीं रहा होगा मेरे को पता है। अब इनका जो चैनल है अब ये हो चुका है न्यूज कैटेगरी का। अब आप सभी को मैं बताता हूँ कि आखिर ट्रेंडिंग टॉपिक कवर कैसे किया जाता है। अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, देखिए मैंने आप सभी को कुछ बता भी दिया, कुछ नॉलेज भी दे दिया और ट्रेंडिंग टॉपिक भाई यहाँ पर जो है मैंने कवर कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ एक और चैनल के एग्जाम्पल के ऊपर। अब ये जो भाई का चैनल है, इस चैनल का नाम है फनी सलमान, और यहाँ पर 25 वीडियो भाई ने अपलोड कर रखा है और पिछले वीडियो पर आप व्यूज देख सकते हैं।
10,000, 8,000, 6,000, 6,000, 18,000, 10,000, मतलब कि कहने का मतलब 15-16,000 के करीब इनके वीडियो पर व्यूज़ आते हैं, 10,000 करीब। लेकिन इन्होंने एक वीडियो बनाया छोटू आरती की प्रेम कहानी, ये जो टाइटल है अभी लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और ये जो टाइटल है अभी ट्रेंडिंग में बना हुआ है। और इन्होंने वीडियो बनाया, और वीडियो कैसा बनाया, उनके घर पर ना जा करके, उनके बारे में ना बता करके, डायरेक्ट ये इन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया, कॉमेडी वीडियो बनाया। और इनका जो चैनल है कॉमेडी का ही है। तो देखिए इन्होंने किस प्रकार से अपने इस टॉपिक को कवर किया, यहाँ पर आप मैं वीडियो थोड़ा सा दिखाऊँ। तो ये डरा है शिराब, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को यहाँ पर वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, आवाज़ नहीं आ रही विशाल से आपको, तो मतलब कि मैं आप सभी को बता देता हूँ इन्होंने जो आरती और छोटू के साथ हुआ, जो उनके घर वालों ने किया, उनके बारे में इन्होंने वीडियो बनाया, वो जो है वो प्रैक्टिकली कर दिखाए अपने वीडियो में, कॉमेडी के माध्यम से लोगों को बताया कि नहीं नहीं ऐसे वैसे हुआ है। तो इन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक कवर कर लिया, और यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिन में 6 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि पहले के वीडियो के मुकाबले इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। क्यों, ये जो है अभी जो है न्यूज़ अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर व्यूज़ आ रहे हैं, और मैं भी जो ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे पिछले वीडियो के मुकाबले इस वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज़ आने वाले हैं, मेरे को पता है। तो इन्होंने इस प्रकार से ट्रेंडिंग टॉपिक कवर किया। अब आप लोग बोलोगे कि यार मेरा तो कुकिंग का चैनल है या फिर ब्लॉगिंग का चैनल है, तो मैं किस प्रकार से इस ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करूँ, कर सकते हैं जैसे मैंने किया। अगर आपका ब्लॉगिंग का चैनल है, आप लोग लाइफ स्टाइल दिखाते हो, तो उसी वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं आप लोग बोल दो कि मेरे घर के बगल में, अगर घर का बगल का कोई ये बात है तो बोल दो मेरे घर के बगल में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये काफ़ी न्यूज़ चल रही है, या आपके गांव के बगल में या आपके शहर के बगल में, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जिक्र करो अपने वीडियो के अंदर 10-15 सेकेंड, और उसके बाद अपने वीडियो को अपलोड करो, और टाइटल और टैग डिस्क्रिप्शन में वहाँ का नाम लगाओ, उस व्यक्ति का नाम लगाओ जो व्यक्ति अभी फिलहाल में वायरल चल रहा है। इसके वजह से आपका व्यूज़ आएगा और ट्रेंडिंग टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो मैंने आप सभी को बता ही दिया कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे कवर करना है। अब बता देता हूँ कि आखिर आपको चैनल पर काम कैसे करना है। सबसे पहले आप चैनल बनाएं तो आप लोग सोचें कि आपको किस टॉपिक पर काम करना है और कैसा काम करना है और कैसा वीडियो बनाना है। इसके बाद डिसाइड करने के बाद आप वीडियो बनाओ, और कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आए तो उसे अपने वीडियो में अपने अनुसार कवर करने की कोशिश करो, अपने चैनल के अनुसार कवर करने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने किया, तब जाकर आपका वीडियो भी वायरल होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई का अच्छा खासा इस वीडियो पर व्यूज आ चुका है, मतलब कि 6 लाख व्यूज आ चुके हैं, 6 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, जिसके वजह से इनके चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़े होंगे, तो अब अगला जो वीडियो डालेंगे, अब ये कॉमेडी किए हैं ना, तो कॉमेडी इन लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अगला जो वीडियो डालेंगे अब लोग देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फिर व्यूअर्स बढ़ेंगे, फिर सब्सक्राइबर बढ़ेगा, फिर व्यूज बढ़ेगा, ऐसे ऐसे चैनल ग्रो करता है। ये नहीं कि यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया तुरंत जाओ वहाँ पर वीडियो बना दो, उसके बाद घर आओ फिर स्पीच देना स्टार्ट कर दो, मोबाइल अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दो, मोटिवेशनल वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो, तो इस प्रकार से आपका चैनल खिचड़ी हो जाएगा, नहीं चल पाएगा चैनल। तो अगर उस भाई से मैं कहना चाहूँगा, ये जो इनका चैनल है SP बम बम, इनसे मैं कहना चाहूँगा भाई आपका चैनल चल चुका है, अगर इस प्रकार से अपना चैनल चलाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि न्यूज़ का वीडियो बनाएं, न्यूज़ का वीडियो बनाएंगे तो आपका चैनल चलेगा, वरना अगर आप आकर यहाँ पर फिर से मोबाइल अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दें मोटिवेट करना स्टार्ट कर दें तो नहीं चल पाएगा, आपको न्यूज़ ही बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं आखिर क्या बताना चाहता हूँ और क्या आपको समझाना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज पहली बार कर रहा हूँ इस चैनल पर, क्योंकि मैंने जब से चैनल बनाया, जब से वीडियो बनाया इस चैनल पर, आप सबसे एक भी बार नहीं कहा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपने हेल्प के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, यूट्यूब पर मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, किस वजह से 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं वीडियो वायरल कर रहा हूँ, वीडियो चला रहा हूँ, और आप सभी के बीच यार मैंने इस चैनल को बनाया आप सभी को कुछ सिखाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।